Hello, students. Uh, this is the numerical from ray optics chapter. This one is very important question, frequently asked in uh, board questions and uh, some objective tests. Now, in this question, uh, first we read the question. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water. Depth of 80 centimeter means this depth is 80 centimeter. This one is height is 80 centimeter, and this one I am placing the bulb. This is the bulb. take वट इज द एरिया ऑफ सर्फेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमरज मतलब उसने क्वेश्चन में ये पूछा है भी लाइट कितने सरफेस से बाहर जाएगी तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थ्यूरी uh, देखते हैं दिस इज द बेसिकली प्योर एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिस इज द एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टी बेसिकली तो सर ये हमें क्लियर है तो टी आई कर का एप्लीकेशन है इसको समझने पहले सबसे सब मैंने क्या मान लिया ये एक सरफेस मान लिया है यहाँ पर मैंने बल्ब रख दिया ये बल्ब भी हो सकता है और ये फिश भी हो सकती है दोनों चीज़ें अगर फ़िश का क्वेश्चन आया तो भी ऐसे ही करना है और बल्ब का आया तो ऐसे ही करना है मैंने मान लिया देखो ये यहाँ से रे आई और ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल खींच लिया है दिस इज़ द नॉर्मल तो जो रे बैंड है वो क्योंकि ये मैंने माना ये जो मीडियम है ये डेंसर है ठीक है तो ये कौन सा ये रेर मीडियम है तो लाइट बैंड्स अवे टू नॉर्मल अवे टू दी नॉर्मल बैंड हुई तो लाइट ऐसे ही इंटरफेस के साथ चलेगी तो ये जो एंगल होता है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं ठीक है सर सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूँ तो वो भी ऐसी जाएगी लाइट यूँ चलेगी तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है चलो सर ये भी क्लियर है अभी एक बात बताओ अगर लाइट इससे ज़्यादा एंगल पे आ जाए यानी ये जो कि आईसी से बड़ा हो गया तो लाइट क्या करेगी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल आ जाए तो लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट यानी वो बाकी सेम मीडियम में आ जाएगी यानी लाइट बाहर जाएगी ही नहीं वो टी हो जाएगी अगर मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने एक काम किया यहाँ पर मैंने एक बल्ब रख लिया बल्ब नहीं मैं यहाँ पर मिरर रखता हूँ सपोज मैंने यहाँ पर एक मिरर रख लिया ये एक मिरर रख लिया तो ये मिरर पर जब लाइट टक्कर मारेगी तो ये लाइट जैसे टक्कर मारेगी बिल्कुल नॉर्मली नॉर्म मतलब नॉर्मल से इन एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो ये दोबारा रिवर्स होकर लाइट यूँ चली जाएगी तो मैं ये कह सकता हूं अगर यहाँ पर कोई चीज बैठी है जैसे कोई दूसरी फिश बैठी है और यहाँ पर एक फिश है इस फिश को ये फिश दो तरीके से नज़र आएगी एक तो उसको यहाँ से रे नजर आएगी यहाँ से मतलब कहने का मतलब है यहाँ से यूं करके यूं और एक यहाँ से डायरेक्ट नज़र आएगी हाँ सर ये ठीक है ठीक है एक तो डायरेक्ट आएगी एक यहाँ से टक्कर मार के भी नजर आएगी यानी मैं कह सकता हूँ इस फिश को ये चीज़ टी आई आर करके भी दिख सकती है लेकिन अगर मैं इसके बाहर वाला ये वाला जोन बोलूँ यानी मैं बोलूँ ये वाली चीज़ तो क्या उसको फिश को ये नजर आएगी कभी भी नहीं क्योंकि ये जो फिश जो बल्ब है वो कुछ ऐसे सर्कल बना लेते हैं सर्कल कौन बन गया ये ये एक कौन है ये वाला एक कौन है तो लाइट इस कौन के अंदर अंदर ही रहेगी यानी अगर मैं कहूँ लाइट यहाँ से सीधी जा सकती है यहाँ सर जा सकती है लाइट यहाँ से यहाँ जा सकती है सर जा सकती है क्योंकि ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल होगा यानी लाइट बाहर जा सकती है यानी लाइट बाहर से यहाँ पर अगर मैं मिरर रखता हूँ तो लाइट अंदर भी आ सकती है यानी लाइट यूं करके यूं भी आ सकती है यानी ये जो फिश है ना फिश को इस कोन के अंदर अंदर जितनी भी रे यूं करके यूं जाएंगी वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी यानी जो बल्ब की जो लाइट है ना वो सिर्फ इस सर्कुलर जोन में से ही बाहर निकल सकती है यानी इस फिश के लिए जो उसकी दुनिया है वो एक सर्कुलर हॉरिजन होता है जो उसको नज़र आता है उसके सिर पर यानी इसके अलावा फिश यहाँ से रेज बार नहीं जाएंगी यानी उसको ये वाली चीज़ नज़र यानी ये वाली चीज़ अगर यूं करके यूं आएगी नहीं क्योंकि वो टी आई आर हो जाएगी ये चीज़ समझ में आएगी यानी बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ भाई ये अगर बल्ब या फिश है तो बल्ब की जो रोशनी है वो बिल्कुल एक सर्कुलर पैज बनेगी अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं ना तो एक काम करिए आप स्विमिंग कीजिए और आप यहाँ पर पानी के नीचे चल जाइए ये आपकी ब्यूटीफुल आइज हैं जब आप ऊपर देखोगे आपको एक ये दुनिया पूरी एक सर्कुलर पैच में यानी कुछ यूँ नजर आएगी इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आएगा चलो सर ये समझ में आ गया तो अब प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं जो प्रीवियस स्लाइड में है वो क्या है तो मैंने एक डायग्राम बना दिया मैंने मान लिया ये बल्ब है बल्ब की जगह फिश भी हो सकती है यहाँ से मैंने मान लिया भी ये रेज आ रही है और ये क्रिटिकल एंगल है नॉर्मल के साथ तो ये रे बिल्कुल इंटरफेस के साथ चलेगी तो यानी वो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो सर नाइन्टी डिग्री तो सर ये समझ में आ गया तो ये जो एंगल है वो कौन है सर क्रिटिकल एंगल है तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं अगर ये आई है तो ये इंटीरियर एंगल हो गया ऑल्टरनेट तो ये भी आई हो गया चलो सर ये भी चीज़ समझ में आ गई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया है वन यानी वन यानी फोर बाय या वन एक ही बात होती है चलो सर ये भी समझ में आ गया बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन है तो अभी स्नेस लॉ लगाएंगे तो म्यू इंटू साइना ही लगाएंगे ये म्यू है और ये एंगल ये है यानी फोर बाय थ्री इंटू साइन आई सी ये सर क्लियर है इक्वल टू बार इफेक्टिव इंडेक्स वन है तो मैं ये लिख सकता हूँ वन इंटू साइन ऑफ नाइनटीन चलो सर ये क्लियर हो गया वन इंटू साइन नाइनटीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू एंगल तो ये रहा मेरा साइन आई सी आ गया वो कितना आ गया साइन आई सी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर चलो सर ये क्लियर हो गया तो मेरे को तो क्वेश्चन ने उन्होंने पूछा है एरिया कितना है कितने एरिया में लाइट नजर आ रही है मैं अगर रेडियस निकालूंगा तो ये एरिया निकालूँगा तो चलो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसको रब कर देते हैं तो देन वी अप्लाई जस्ट कह लीजिए सिरम कह लीजिए लगा लीजिए तो मुझे एक बात बताओ इस ट्राइंगल में ये जो आई सी एंगल है ये अब आई सी है ठीक है सर ये मैं मालूम है ये आई सी है तो ये एंगल आई है तो मैं अगर साइन आई सी तो वो क्या होगा वो होगा इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाईप्रोटिनिस होगा यानी मैं ये ट्राइंगल दोबारा से बना लेता हूँ कुछ ऐसा ठीक है ये कितना हमारा आर है ये हमारी हाइट है ये हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्के प्लस एस्के पाइथागरम हो गया ये हमारा आई है तो साइन आई हो गया साइन आई सी इक्वल टू परपेंडिकुलर पॉन ऑफ़ आर स्केयर प्लस एच स्केयर इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं मेरे पास रेडियस गिवन है मेरे पास म्यू भी गिवन है तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ इसकी मैंने इक्वेशन वन ले ली इसको इक्वेशन टू ले लिया यानी हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थ्री बाई फोर थ्री बाय फोर इक्वल टू आर पॉन अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एच स्केयर देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं इसको सही लिए हमने थ्री बाय फोर इक्वल टू आर कौन अंडर रूट आर स्केब्ल एच स्के ठीक है अभी हमने सिर्फ दोनों की वैल्यू डालनी है एक तो हाइट की वैल्यू एट्टी सेंटीमीटर है हमने रेडियस निकालना है बस जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ हाइट दैट इज़ एट्टी सेंटीमीटर तो वो हम डाल देते हैं दैट इज़ पहले स्केरिंग कर लो इसको ईजी हो जाएगा ये आ गया नाइन बाय सिक्सटीन ये आ गया आर आर स्केयर प्लस एच स्केयर अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रखूँगा एटी ही डाल दूँ तो जो मेरा रेडियस आएगा वो भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप अपने आप तो इसको जब स्केयरिंग किया तो ये भी आर स्केयर आएगा क्योंकि इसका स्केयर किया थ्री फोर नाइन सिक्सटीन हो गया आर का स्केर आ गया ये आ गया यानी ये नाइन आर स्केयर प्लस नाइन इंटू एटी का स्केयर एटी एट दिक्कसटी फोर दी सिक्स फोर जीरो जीरो इज इक्वल टू सिक्सटीन आर स्केयर सिक्सटीन आर स्केयर में से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन दैट इज सेवन आर स्केयर सेवन आर स्केयर इक्वल टू नाइन इंटू सिक्स फोर ज़ीरो ज़ीरो तो हमने एरिया फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कुलर पैच इज़ पाई आर स्केयर तो पाई आर स्केयर डालेंगे तो पाई ऐसे कैसे आ जाएगा पाई आर स्केयर की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास ये नाइन इंटू सिक्स फोर ज़ीरो ज़ीरो अपॉन सेवन दिस इज़ द आंसर ठीक है जैसा सेंटीमीटर स्केयर क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में लिया था तो ये एरिया सेंटीमीटर स्केर में आएगा दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए थैंक्स स्टूडेंट्स